friends, I am Dr. Tanveer from Jaipur. I am a director of Diabetes Bhavan. तो आज हम बात करेंगे जो एक कोविड महामारी कोविड-19 महामारी जो फैल रही है या जैसे कोरोना वायरस जो फैल रहा है उसमें हमारे बहुत से जो पेशेंट है जो डायबिटिक हैं जो हार्ट के पेशेंट है बीपी के मरीज है जो गुर्दे वाले मरीज है जिनके गुर्दों में खराबी है जो सांस वाले पेशेंट है और वो लोग जिनकी उम्र 65 साल से ज्यादा है या जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर है वो थोड़े वीक हैं इन लोगों को एक थोड़ा सा डर और भय बना हुआ है डर ऐसा कि शायद ये बीमारी उन्हें ज्यादा हो सकती है ऐसा नहीं है चांसेस सबको बराबर है एक नॉर्मल आदमी को भी और आपको भी कोरोना वायरस होने के चांसेस सबको बराबर है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको ज्यादा चांस है लेकिन हाँ एक चीज है अगर ये बीमारी अगर आपको होती है क्योंकि अगर मैं डायबिटीज मरीज की बात करूं वहां पर जब शुगर बिगड़ी होती है तो ऐसी स्थिति में वैसे ही उनका इम्यूनिटी कमजोर होती है तो स्थिति भयावह हो सकती है थोड़ी खतरनाक हो सकती है ये थोड़ा सा एक कारण है जिसकी वजह से हमें थोड़ा डर लगता है लेकिन ऐसा नहीं कि इसके लिए बहुत पैनिक होने की या बहुत घबराने की परेशान होने की जरूरत है सिंपल से अपने कुछ सिंपल स्टेप्स लेने होते हैं जिससे हम आराम से लड़ सकते हैं स्थिति से सामना कर सकते हैं ठीक है तो मैं वैसे भी उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी आप लोग सब घर पे होंगे स्वस्थ होंगे एकदम अच्छे होंगे बढ़िया खा पी रहे होंगे तो अच्छा इम्यूनिटी वैसे भी बूस्ट हो रही है इम्यूनिटी बूस्ट करने का तरीके भी क्या है अगर आप देखें तो तरीके बड़े सिंपल से हैं कि आप अच्छा खाना खाइए हेल्दी खाना खाइए हेल्दी स्नैक्स लीजिए ठीक है खूब सारा दूध लीजिए दही लीजिए फ्रूट्स लीजिए सिट्रस फ्रूट जैसे होते हैं जैसे आपकी बात करें हम मौसमी की आप कीवी आप ले सकते हैं नींबू का पानी आप ले सकते हैं सिट्रस फ्रूट खट्टे फल जिसे कहते हैं हम खट्टे फलों में एक विटामिन सी एक बहुत ज्यादा होता है जो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करता है तो सिट्रस फ्रूट आप ज्यादा यूज करके अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं इसके अलावा अच्छी नींद सोना जिसे कहते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप नींद अच्छी लेते हैं जैसे अगर हम एक नॉर्मल या मान के चलते हैं 6 से 9 घंटे की नींद अगर आप ईमानदारी से लेते हैं तो आपका इम्यूनिटी वैसे ही बहुत अच्छा बूस्ट होता है और इसके अलावा अगर आप टेंशन नहीं लेते खुश रहते हैं है? आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करते हैं तो आप बहुत इम्यूनिटी आपकी बूस्ट रहेगी ऐसी स्थिति में कोरोना मुझे नहीं लगता आपका कुछ बिगाड़ पाएगा ठीक है बहुत बार हम लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं अभी बहुत अगर पूरा अखबार देखे तो पूरा अखबार कोरोना न्यूज से भरा पड़ा है अगर आप टीवी न्यूज चैनल चलाते तो वो सारा कोरोना से न्यूज से भरा पड़ा है तो आपके 24 घंटे आपके दिमाग में एक ही चीज भरती गई कोरोना 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 निकलो यार इस सब से बाहर निकलो परेशान हो जाओगे नहीं तो खतरनाक तरीके से परेशान हो जाओगे और हो भी रहे हैं बहुत से लोग रिपोर्ट्स आ रही है हमारे पास बहुत से लोग अभी जैसे मेरे कई मरीज मुझे बोलते हैं सपनों में सर मुझे से डर लग रहा है कोई बड़ा जानवर आके मुझे खा रहा है वगैरह वगैरह इस तरह के लोगों को सपने आ रहे हैं तो इन चीजों से बाहर निकलो बाहर निकलने का तरीका क्या है कि कम से कम आप एक सिस्टम बनाओ न्यूज देखने का न्यूज पढ़ने का हर चीज का भाई ठीक है एक अपडेट होना जरूरी है वो होना भी चाहिए कि भाई क्या चल रहा है एक आधा घंटा बहुत है 24 घंटे देखने से कोई मतलब नहीं एक आधा घंटा कोई भी एक ऑथेंटिक न्यूज चैनल पे आप गए और वहां पे आपने जो भी डाटा आपको चाहिए वो आपने देखा बस बहुत है और दिन भर अपन जैसे देख रहे हैं कि डेथ की न्यूज आ रही है कोरोना से इतने मर गई है वो तो उससे एक भय और पैदा हो रहा है डर पैदा हो रहा है थोड़ा सा बच्चों इन तरह की दिया इसके अलावा आप अपने म्यूजिक सुन सकते हैं आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं कोई आप में कोई स्किल है तो उसको डेवलप कर सकते हैं बहुत अच्छा है तो है घर परिवार के साथ टाइम बिताएं बहुत परिवार वाले लूडो भी बहुत खेल रहे हैं तो सब बच्चे और वाइफ वगैरह या घर में कोई बुजुर्ग है उनके साथ बैठ के लूडो खेलो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो भी आपको कह रहे हैं इंडोर गेम बहुत सारे हैं है ना तो इस तरह से अपने आप को खुश रखो थोड़ा सा इन चीजों से थोड़ा सा दूर रखो अपने आप को नहीं तो हो क्या जाएगा कि आप मेंटली डिस्टर्ब होने लग जाओगे ठीक है शुगर बिगड़ने मत दो शुगर बार बार चेक करते रहो जब भी मौका लगे चेक करो एक ऑथेंटिक जो एक ग्लूकोमीटर होता है शुगर नापने की मशीन होती है वो आपके पास होनी चाहिए ये एक हथियार है आपका बीमारी से सामना करने के लिए ठीक है तो ग्लूकोमीटर क्राइटेरिया मन में रखना है एक दिमाग में रखना है कि खाली पेट आपका शुगर 100 आना चाहिए तो 100 तो एग्जैक्ट आता नहीं है तो 20+20- हो जाए कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल नॉर्मल है तो 180 भी ठीक है तो 120 भी ठीक है इसी तरह खाने के बाद का शुगर यानी खाने के 2 घंटे बाद का शुगर की हम बात करें तो वो लगभग आपका 150 के लमसम आना चाहिए अब 150 तो एग्जैक्ट आएगा नहीं तो 30 आ जाए प्लस 30 आ जाए माइनस तो भी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना तो ऐसी स्थिति अगर कोई भी दिक्कत आ रही है आपको आपको परेशानी आ रही है शुगर कंट्रोल नहीं है या भोजन लो हो रहा है या हाई हो रहा है या दवाई सूट नहीं हो रही है या दवाई लेने में कोई परेशानी हो रही है तो ऐसी स्थिति में आप अपने
जो भी आपका डायबिटोलॉजिस्ट है उससे बात कीजिए, उनसे सलाह लीजिए, ठीक है, तो वो आपको अच्छी तरह से गाइड कर पाएंगे। खाने का बहुत अच्छा, जैसे मैंने बताया, एक अभी क्या हो रहा है, ओवर ईटिंग बहुत हो रही है, ओवर स्नैकिंग बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि अभी सब घर में बहुत सारे काम है नहीं, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्रेविंग आती है खाने की। फिर हम लोग अभी देख रहे हैं कि एक फेस्टिवल सा हो गया हर घर के अंदर, कि कोई पताशी पूड़ी बना रहा है, कोई कचौरी तल रहा है, कोई पकौड़ी बना रहा है घर के अंदर, बहुत सारे अभी तो कुकिंग चैनल्स की इतनी बाढ़ आई पड़ी है ना। तो होता क्या है कि ठीक है, आप एक टेस्ट के लिए आप हर चीज ट्राई कीजिए, लेकिन ओवर स्नैकिंग से, ज्यादा तली हुई चीजों से, है ज्यादा ये जो हाई कैलोरी बहुत ज्यादा नमक वाली चीजें हैं, उन सब बचिए आप। सात्विक भोजन, घर का जो सादा खाना होता है, उन पर आप थोड़ा फोकस कीजिए, फ्रूट्स पर फोकस कीजिए, ये एक्सरसाइज मत छोड़ना है। अब एक सवाल याद, क्योंकि अभी क्या है, अभी बहुत से लोग जिम जाते थे, जिम छूट गया, जिम बंद है, बड़ी दिक्कत आ रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि अगर आप रेगुलर जिमिंग कर रहे थे तो आप उसको घर पे कंटिन्यू कीजिए। अब आप बोलेंगे सामान तो है ही नहीं, तो देखिए स्ट्रेचिंग आप कर सकते हैं, रस्सी कूदना, डांस करना, योगा आप कर सकते हैं, एरोबिक्स आप कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं जो घर के अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेस भी नहीं चाहिए उन चीजों के लिए। पुशअप कर सकते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं। अगर आपको कोई वजन उठाना है आपके घर में, कुछ मतलब आपके पास कोई डंबल या कोई रोड्स वगैरह नहीं है, तो आप घर के पानी की बोतल, जैसे दो दो किलो की, तीन तीन किलो की बॉटल्स होते हैं, पानी भर के उसको आप डंबल की तरह यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे रास्ते हैं, तो हर चीज का एक रास्ता निकलता है। सबसे इम्पोर्टेंट है आप अपने आप को स्वस्थ रखिए, खुश रहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। और बहुत ज्यादा अपडेट होने की इन चीजों की कोशिश मत कीजिए, अन्यथा आप बस मेंटली डिस्टर्ब होंगे। नींद अच्छी लीजिए, परिवार के साथ टाइम बिताइए, ये एक अच्छा समय दिया ईश्वर ने हमें, जब हमारे परिवार के साथ हम बॉन्डिंग अच्छी बना सकें, जो शायद इतने सालों से तक आएंगे दे पाए, अब दे पाएंगे। तो इसको थोड़ा पॉजिटिव एम लीजिए, बुरा समय निकल जाएगा, थोड़े दिन की बात है, ठीक है। एंड दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।